सो हेलो गाइस, कैसे हो? मतलब सब बहुत ही अच्छे हो। तो भाई अभी मैं आपको जो जॉम्बी मोड आया है, न्यू आया है अपडेट के बाद, आपको पता होगा, तो उसके कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैं इस वाले वीडियो में आपको इजी टू हार्ड मोड कैसे कंप्लीट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। खास करके यहाँ पर हार्ड मोड जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो ईजी मोड है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भाई कि उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, क्योंकि वो जॉम्बी मारते रह रहे भाई। यहाँ पर जॉम्बी मारना मेन काम नहीं है, ठीक है। मतलब ईजी टू हार्ड मोड तक यहाँ पर जॉम्बी मारना मेन काम नहीं है। मेन काम क्या है यहाँ पर? सर्वाइव करना यहाँ पर मेन काम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप जब गेम स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा लोकेशन दिखेगा जहाँ पर आपको बोला जाएगा वहाँ पर जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर मैप पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर बस आपको जाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक टाइमर चलेगा, तो उस टाइम पर तक आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है, ठीक है। तो इजी टू नॉर्मल जो मोड है तो ऐसा ही कुछ है, बस आपको सर्वाइव करना है। एंड जैसे गेट ओपन हो जाएगा, आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि गेट ओपन हो चुका है, ज़ॉम्बी सारा हट जाएगा एंड आपको बस गेट के पार जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ग्रीन कलर का, एक राउंड पे आपको एक ग्रीन कलर का पिलर जैसे दिखेगा, उसके आसपास आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो स्किल है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बस बंदे से बचो, मतलब यहाँ बंदे तो नहीं है भाई, यहाँ पर जो ज़ॉम्बी है बस आपको उससे बचना है। आप मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन बहुत से टाइम आप जो फंस जाओगे, तो ऐसे आप ट्राई करो कि बस मतलब घूमते फिरते आपका निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट जो मोड है यहाँ पर, मतलब जब हार्ड मोड है, वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक गाड़ी पहले तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो गाड़ी लेके आपको जाना है, सामने आपको चेक पॉइंट जैसे दिखेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो फ्लैग जैसा है वो आपको दिखेगा, तो वहाँ तक आपको पहले तो पहुँचना है। उसके बाद क्या करोगे, जब लास्ट तक पहुँच जाओगे ना, तो रेड कलर का एक मतलब बैरियर जैसा आएगा, तो उसके पार आप नहीं जा सकते तब तक, यहाँ पर जब तक ऊपर जो टाइमर है वो चलता है तब तक, ठीक है। तो उससे पहले क्या करो कि यहाँ पर आप फिर से घूम के आप जहाँ से आए थे उस दिशा में आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर खड़े रहोगे ना एक जगह पर, तो बहुत सारा ज़ॉम्बी आपके ऊपर आता रहेगा, तो आप टाइम पास करते रहो, ठीक है। मतलब फाइट करने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर फाइट कर सकते हो। मैं आपको एक बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन उससे पहले बता देता हूँ जो कि आपको बहुत काम देगा। यहाँ पर आप पहले तो जो ओरियन है वो लो, ओरियन के साथ मिगुइल लेना तो भाई बनता ही है, तो मिगुइल आप ले लो। एंड यहाँ पर आप चाहो तो जो थर्ड स्किल है यहाँ पर जय करेक्टर ले सकते हो। तो जय करेक्टर से यहाँ पर क्या होगा कि आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे ही आप एक ज़ॉम्बी को, मतलब जो नूबे ज़ॉम्बी होता है ना, तो उसको जैसे ही मारोगे आप, तो यहाँ पर जो आपका गन है वो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा, आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं, तो बहुत अच्छा वो काम देता है, ठीक है। एंड तीसरा स्किल यहाँ पर आप लोग यहाँ पर किले ले सकते हो एंड कुछ और भी, जो भी आपको मर्जी हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं आपको कुछ फोर्स नहीं कर रहा भाई, जो आपको पसंद है वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ओरियन है एंड जो मिगुइल है वो मस्ट लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बार वो आपको बचाएगा, जब आप मरने वाले होंगे तो तब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड ओरियन को यूज करने के लिए भाई दो चार जो ज़ॉम्बी होता है ना, मतलब जो नूबरे ज़ॉम्बी होता है, उसको मस्ट आपको मारना ही है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप रिवाइव हो गए, मतलब राउंड आपका स्टार्ट होगा, तो दो चार जो नूबरे ज़ॉम्बी है उसको आपको मारना है पहले। एंड आपका जो ओरियन, मतलब जो ईपी है मिगुइल से, आपको मिल जाएगा एंड तब आप ओरियन इजीली यूज कर सकते हो। एंड एक बार मतलब आपका अगर ओरियन यूज हो जाए तो फिर से एक दो जो नूबरे ज़ॉम्बी है उसको आप मार सकते हो, ऐसे आप मतलब अनलिमिटेड टाइम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भाई, स्किल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये मस्ट आपको करना ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टैलेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको टोकन्स मिलेगा, मतलब ज़ॉम्बी मोड खेलोगे ना तो टोकन्स मिलेगा, तो उससे ये जो टैलेंट सेक्शन है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। जितना आप मतलब आगे बढ़ते रहोगे तो टोकन्स आपको ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे अपग्रेड करते रहोगे ना तो आपको ईजी लगेगा ज़ॉम्बी मोड खेलना, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना ही है, ठीक है। जितना ऊपर आप जाओगे, मतलब हार्ड मोड से भी और ऊपर जाओगे, उसके मतलब लेवल आ जाएगा, तो उसमें भी ये बहुत काम में आपको देने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एबिलिटीज मिलता है, तो वो आपके काम में आएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई, जब वो गाड़ी वाला कंप्लीट हो जाएगा, आप आगे चले जाओगे, उसके बाद जो मिस्टर वी आएगा, बहुत सारे ज़ॉम्बीज आएगा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जब भी आपको मौका मिले ज़ॉम्बी मारो एंड जब भी आप फंस जाओ ओरियन यूज करो, यही सबसे बड़ा यहाँ पर रूल्स है, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट होता रहेगा एंड लास्ट में आप जो बहुत सारे ज़ॉम्बी आएगा एंड प्लस यहाँ पर दो बॉस ज़ॉम्बी आएगा, तो वहाँ पर आपको सेम ही चीज़ करना है, प्लस आपको एक अच्छा टीम चाहिए। यहाँ पर मैं ऑटो मैच पे खेल रहा था, दो बंदे ऑटो मैच का है, तो फिर भी मैंने भाई निकाल लिया जैसे जैसे करके, यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी एक और चीज़ भाई, बहुत सारे लोग शायद से सोचेंगे कि यहाँ पर कटने वाला जो ट्रिक है वो क्यों ना यूज़ करें हम यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप संभाल नहीं पाओगे इतने सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ। सो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कैसे कंप्लीट करना है सारे मोड्स। एंड जो नेक्स्ट मोड है, मतलब जो लेवल वाइज मोड है, जो हार्ड है, इससे भी ज़्यादा हार्ड है, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया। कुछ क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टाटा।